नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में मैं पहुंचा हुआ हूं राजनांदगांव में। राजनांदगांव जिसकी पहचान जो है संस्कार धानी के तौर पर है, साहित्य और कला की जो नगरी राजनांदगांव कहलाती है। तो आज मैं राजनांदगांव से आपको दिखाऊंगा कि भी हाल का है। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, फिल्मकार सब मौजूद हैं। वैसे भी कहते हैं कि अगर आपको ज़मीनी हकीकत को जानना हो, असल सच्चाई को जानना हो, तो आप पत्रकारों से जानिए, साहित्यकारों से जानिए, कलाकारों से जानिए, जो कि अपनी लेखनी के ज़रिए, अपनी जो है आवाज़ के ज़रिए, अपनी जो है अभिनय के ज़रिए सारी चीज़ों को बताते और दिखाते रहते हैं। तो आज मैं राजनांदगांव के जो एक तरीके से कहिए हृदय स्थल है, जो दिल है, वहाँ पे मौजूद हूँ रानी सागर में। और मेरे पीछे जो आप एक स्मारक देख रहे हैं वो है मुक्तिबोध स्मारक, जिसे त्रिवेणी संग्रहालय भी कहा जाता है। और इस जगह से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई राजनांदगांव का हाल का है। बीते 22 सालों में, राज्य निर्माण के बाद 22 सालों में राजनांदगांव का विकास कैसा हुआ है, किस रूप में हुआ है, साहित्यकारों से, कलाकारों से, संगीतकारों से इसे समझने की कोशिश करेंगे और उनकी कुछ कविताएं, गीत संगीत भी होगी। तो दरअसल शुरुआत करते हैं राजनांदगांव की कहानी से। कांति कार्तिक हमारे साथ हैं, तो जिन्होंने जो है राजनांदगांव के लिए कुछ गाया है। क्या गाया है, क्या कहानी है, क्या इतिहास है, पहले उसे समझते हैं। कांति भाई जोहार है। जय जोहार। जय जोहार है माता रानी। तो राजनांदगांव किसे देखते हो आप? राजनांदगांव तो हमर कर्म क्षेत्र हरे, जन्मभूमि हरे, और जो भी सीखे हन यही भुइयां में सीखे हन, और यहीं के संस्कार ला हमन छत्तीसगढ़ में और पूरा विश्व में बगरात हन। तो का हाल है? एकदम बढ़िया है हाल तो, और आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्कार धानी माँ। राजा रानी के निशानी, किला के अगल बगल में पानी, राजा और रानी के निशानी, किला के अगल बगल में पानी। ए भैया सुन तो ले, जहुरिया सुन तो ले, ए दीदी सुन तो ले, ए भैया सुन तो ले, आज नांद गांव के कहानी, राज नांद गांव के कहानी। शिवनाथ नदिया के पानी, जेखर ले हावे जिंदगानी, ए भैया सुन तो ले, जहुरिया सुन तो ले, आज नांद गांव के कहानी। बहुत बढ़िया। तो कांति भाई आपने क्या देखा, मतलब राजनांदगांव ने कितना विकास किया है या विकास में हम पिछड़ भी गए हैं? युवा यहाँ से सपने संजोए आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी। वैसे तो राजनांदगांव बहुत विकासशील है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो, अगर मैं छत्तीसगढ़ में कहूँ कि जो भी हमन अभी के समय में कार्य करते हैं अपन क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हमन अपन सीनियर मन ले सीखे हन, और यहाँ के जो एक कहना चाहिए वातावरण है, वो कहीं ना कहीं संस्कार में बंध के अपन मर्यादा में रही के कैसे अपन कला ला हम बगरा सकते हैं वो ला सिखाते। और हमर गीत मन में भी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं वो में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो ला हमन हाँ कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बगरा सकन जी। तो छत्तीसगढ़ के जिन्हें लोग साहित्य, कला, संस्कृति के हाल अच्छा है राजनांदगांव में अभी, या उमा काम करे की जरूरत है? नहीं, बहुत अच्छा हाल है, और खास करके ये हमारे सब बड़ खुशी की बात है कि जो युवा मन है, खास करके हमारे जो वर्ग है, वो हमारा बढ़ चढ़ के अब ये क्षेत्र में आवत थे, और अब वो माहौल नहीं रह गया है कि छत्तीसगढ़ी बोलने में लाज लगते। अब बड़ा गर्व से, चाहे वो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कहा हो, रील्स का हो, सब माँ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी गीत संगीत, चाहे वो लोकगीत रहे, चाहे वो कल्चरल गीत रहे, कोई भी गीत रहे, तो ओला बढ़ चढ़ के यूथ मन पेश करा थे, और हमला भी बहुत मया दुलार मिला थे। एक हर बार जम्मू ला धन्यवाद। हर्ष जी हैं, बहुत स्वागत है आपके। जोहार है आप लजन है आपके, जिन्हें गाना बहुत चर्चित रहे हैं महुआ झरे। हम तो बोले जिन्हें सरगुजा के सोचत रहे हैं, लेकिन निकल राजनांदगांव के लिए, आखिर कैसे झर गए महुआ? महुआ तो झर ही, हर मौसम में झर ही, और ये संस्कार धानी है, और यहाँ के कलाकार जिला तो जिला, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ से निकले हैं। और जो भी यहाँ से बड़े बड़े जो पार्टी बने हैं छत्तीसगढ़ में, प्रायः 99% कलाकार राजनांदगांव के। नाचा के जनक मंदराजी दाऊ नांदगांव,
खुमान साहब जी राजनांदगांव और भी बहुत से है ना जो आसपास के हैं, गोविंद राम निर्मलकर राजनांदगांव, पद्मश्री सब राजनांदगांव के, और कविता वासनिक राजनांदगांव, पता ले जा रहे राजनांदगांव और उमा से एक हर्ष वो भी राजनांदगांव तो आप जो है कैसे विकास देखते हो राजनांदगांव के? विकास ठीक है आप लोग लगते हैं कि समय के साथ विकास यहाँ पे, या फिर आप लोग लगते हैं कि नहीं नहीं जो हिसाब से विकास होना रहे इसे वो हिसाब से नहीं हो पाई? विकास तो हो है मगर एक बहुत अच्छा उद्योग रही से बीएनसी मिल, वो जो बंद हो इस ना वो यहाँ के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। कौन सा मिल? बीएनसी मिल। अच्छा, बंगाल काटन नागपुर मिल कर काटन, अच्छा, कपड़े की कपड़े की यहाँ का मच्छरदानी था पूरे हिंदुस्तान में फेमस था, वो बंद हुआ तो ये मान के चलिए कम से कम 5,000 परिवार जो है वो बेरोजगार हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद कहे बंद हुआ? अब ये तो देखिए शासन चला रही है तो घाटा और प्राइवेट चला रहा है तो फायदा, अब इसमें आप देख लीजिए। तो वो बंद होने से और अभी तक कोई ऐसा उद्योग यहाँ पर लगा नहीं है जिससे रोजगार मिले, ये बहुत ज़रूरी है। हम तो इसमें अपने छत्तीसगढ़ी जो है उसमें काम कर ही रहे हैं। कोई बड़ा उद्योग नहीं है? नहीं है। तो आपने क्यों लिखा मऊहा झरे? मैं इधर बालाघाट के पास एक गांव है उगदीवाड़ा, तो उधर मैं गया था शादी में, माहौल था यही अपने मार्च अप्रैल का, तो एक महुआ का झाड़ था तो वो ऐसा चुन रहे थे वहाँ से महुआ को, तो मेरे ध्यान आया कि महुआ को तोड़ते नहीं है झड़ता है, तो दिमाग में वहीं पर महुआ झरे ये ऐसा दिमाग में घूमते रहा, उसके बाद उस गीत की रचना। लेकिन वो गीत आप सोचिए कि सिर्फ गीत नहीं है बल्कि वो उसमें पूरी जो है आदिवासी संस्कृति है जी। उसमें प्रकृति है, जल है, जंगल है, जमीन है, सबकी बात है उसमें। मेरे को दुख इस बात का है कि उस गीत में कहीं भी शराब का कहीं भी वर्णन नहीं है। मऊहा झरे रे मऊहा झरे, मऊहा झरे रे मऊहा झरे, डोंगरी के तीर लागे है साल छीन, लाली पर सा बनवा फूले, लाली पर सा बनवा फूले, मऊहा झरे रे मऊहा झरे, मऊहा झरे रे मऊहा झरे। क्या बात है संजय जी, आप क्या करते हैं? मैं जो है मेरा व्यापार है जी, और शुरुआत मेरी पत्रकारिता से रही है। हाँ, तब तो आप राजनांदगांव को बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो आपने क्या देखा राजनांदगांव को? पत्रकारिता में नहीं हूँ मगर लिखने पढ़ने में रुचि है, वो सब चलते रहता है। तो आपने चूंकि राजनांदगांव को समय के साथ काफी कुछ बदलते हुए देखा होगा, अभी क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? नहीं, सबसे पहली चीज तो यह है कि विकास का पैमाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब ज़्यादातर जो आजकल एक माना जाता है कि विकास का मतलब है कि बस बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएं, मॉल बन जाएं, भव्यता दिखे, मुख्य बात यह है कि विकास आम जीवन में लोगों की खुशहाली ला सके। मेरी नज़र में सही विकास तो वह है, मगर चूंकि अब राजनीति में एक तरह से ये हो तो राजनांदगांव के लोग खुशहाल नहीं हैं। नहीं, मैं राजनांदगांव के दायरे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ विकास की जो परिभाषा जो गढ़ी जा रही है, आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ राजनांदगांव के परिप्रेक्ष्य में भी हम कहें तो जैसा कि हर्ष भाई ने कहा, राजा बलराम दास जी ने उस समय जब परिकल्पना की थी सन 1893 में बीएनसी मिल, बीएनसी मिल उस समय नहीं कहा गया था उसे, वो सेंट्रल प्रोविंस मिल थी है ना, तो वो उस समय के राजनांदगांव मुश्किल से 10-12 हज़ार की आबादी का छोटा सा कस्बा था, वो एक पहचान थी राजनांदगांव। बिल्कुल, बीएनसी मिल से राजनांदगांव की दिनचर्या तय होती थी इस मायने में कि वहाँ पे जो एक चिमनी थी जिसे आम बोलचाल में हम छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं पोंगा, जो मशीन चलती थी, प्रोडक्शन होता था, तो जो चिमनी धुआं उगलती थी, राजनांदगांव की दिनचर्या उससे तय होती थी कि सवेरे 5 बजे मिल का पोंगा बजता था तो लोग उठते थे, 7 बजे का पोंगा बजा तो लोग अपने काम पे निकलते थे,
इवन घर में जो छोटे काम काज के लोग हैं वो भी अपनी दिनचर्या, विद्यार्थी भी अपनी दिनचर्या कि इतने बजे का पोंगा बजा है ये जाना है। मतलब राजनांदगांव में बीएनसी मिल जो है लोगों के जनजीवन में धड़कता था, वो एक तरीके से एक निशानी, पुरखौती की निशानी की तरह। हाँ हाँ, मतलब भाई देखिए जीविका का एक बहुत बड़ा साधन यहाँ पे था, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ के लोगों की जीविका का साधन जो है बीएनसी मिल था, क्योंकि उस जमाने में भी वहाँ पे दो और तीन पाली में सैकड़ों लोग काम करते थे। मगर खैर ठीक है, अब वो जैसा पीड़ा है। हाँ, तो वो आज भी ये तो दर्द है कि विकास हल्ला तो बहुत होता है, मगर आज भी यदि देखा जाए राजनांदगांव के युवाओं के लिए, राजनांदगांव के एक सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, तो रोजगार के कोई वैसे स्रोत यहाँ पे सृजित नहीं हुए हैं। ये जरूर है राजनांदगांव कला साहित्य संस्कृति में बहुत चेतना संपन्न शहर रहा है, संस्कारधानी इसे कहा जाता है, और हम अभी यहाँ जिस परिसर में खड़े हैं यह राजनांदगांव की एक पहचान है। साहित्य त्रयी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल जी बख्शी मास्टर जी और मुक्तिबोध जी, इन तीन के कारण राजनांदगांव विश्व पटल पर जाना जाता है। क्या हाल है? देखिए मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं और मैं एक कलाकार के रूप में ही बात करूंगा, चाहे विकास को लेके हो चाहे किसी भी स्थिति पे हो। कलाकारों का शहर है ये राजनांदगांव, और शायद अतिशयोक्ति हो सकती है कि लोग कहते हैं कि जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो रोता भी है तो सुर में रोता है। चाहे संगीत की बात हो, चाहे नृत्य की बात हो, चाहे रंगमंच की बात हो, चाहे साहित्य की बात हो, हर क्षेत्र में यहाँ अलग अलग विधाओं में लोगों ने महारत हासिल की है। नाटक की बात है, लगातार नाटक के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से यहाँ नए नए कलाकार जुड़ रहे हैं, न सिर्फ थिएटर को लेके, बल्कि राजनांदगांव के कलाकार आज रंगमंच करते हुए आज मुंबई में कोई सीरियल कर रहे हैं, कोई कोई फिल्म से भी जुड़े हुए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ के लोगों को मिल रहा है। सरद जी, चूँकि रंगमंच की बात आई, देखिए नाचा जो है, नाचा का जनक भी यहीं से रहे, और नाचा में सबसे ज़्यादा कोई उन्नत हो पाया या शिखर तक पहुँच पाया तो गोविंद राम जी रहे जी। आज उस नाचा की स्थिति क्या है राजनांदगांव? नाचा अब यदा कदा कहीं देखने मिलता है, बहुत मतलब क्यों स्थिति है आपको क्यों लगता है? लोगों की रुचि, लोगों को आज मोबाइल चाहिए, मोबाइल ये भी रहा होगा चाहिए, नहीं मतलब व्यावसायिक तौर पर हम उसको विकास नहीं कर पाए, उसका ये भी वजह। देखिए सिर्फ नाचा की बात नहीं है, यदि मैं नाटक की भी बात करूं या रंगमंच की बात करूं, आज हम नाटक कर रहे हैं लगातार कई सालों से, 25 सालों से नाटक कर रहे हैं, कलाकार आते हैं जाते हैं अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, कलाकार को आज भी जो मंच मिलना चाहिए नहीं मिलता। अब रही बात राजनांदगांव की, राजनांदगांव में रुचि रखने वाले हैं, नाटक होगा रिहर्सल करेंगे, नाटक करेंगे कहाँ, उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए जगह नहीं, एक ऑडिटोरियम आप लोग को नहीं मिलता। देखिए एक ऑडिटोरियम है लेकिन कभी कभी रिहर्सल के लिए नहीं, उसका रिहर्सल के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, रिहर्सल के लिए हमारे पास कलाकारों के लिए कोई भी स्थान राजनांदगांव में नहीं है, और इसकी कई बार कोशिश की गई कलाकारों ने मिलके कि कहीं एक स्थान उपलब्ध कराया जाए जिससे राजनांदगांव के कलाकार, चाहे सिर्फ रंगमंच के नहीं किसी भी विधा के, वहाँ जाके वो रिहर्सल कर सके, वो स्थान उनके लिए सुरक्षित रहे, ऐसा कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिहर्सल की, कार्यक्रम हम एक दिन करते हैं, रिहर्सल 4 महीने करते हैं, तो कार्यक्रम तो हम कहीं भी कर लेते हैं किसी भी जगह में करके, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, रिहर्सल के लिए या और किसी तरह का ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ आप सुनाना चाहेंगे? नाटक की बात है, अभी 2 साल पहले जिसके साथ मैंने नाटक की शुरुआत की थी, मेरा बहुत परम मित्र सैयद शोएब अली, वो रहा नहीं, और हम अपने नाटकों में, हर नाटकों में एक गीत डालते ही हैं, चाहे नाटक के प्रारंभ में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं भी एक गीत हम डालते हैं, वो उसका लिखा हुआ ये गीत था, उसके 4 लाइन सिर्फ मैं सुना दूं। नाटक
की दुनिया है ये, नाटक की दुनिया है ये, जिंदगी एक नाटक है, झूठी है ये दुनिया जो जीने नहीं देती, पर्दे के पीछे छिपा क्या कहने नहीं देती, नाटक की दुनिया है ये। ये गीत उनका था। आपका सोच ये है कि भाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उस तरह से उभार रहे हैं या उसको विकृत कर रहे हैं, जिस तरह की बात आ रही थी कि सोशल मीडिया में या आजकल जो ये जो वेब सीरीज जैसे जो चल रहे हैं, बड़े दुख की बात है कि राजनांदगांव या पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति का बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे? ये जिस तरह से जो छोटे छोटे जो कॉमेडी 10-5 मिनट के जो पीस बनाए जा रहे हैं, इवन जैसे नाचा की आप चर्चा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप देख लीजिए जिस तरह से उसका मुंबईयाकरण हो रहा है, मसाला फिल्मों जैसा जिस तरह से उसको फिल्माया जाता है, अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 2 दशक के बाद में उस तरह से फायदा नहीं हुआ। वो आप जो कह रहे हैं कि वो गंभीरता लाने की जरूरत है, मैं आता हूँ आपके पास, फिल्मकार के पास, ओपी भाई से पहले कुछ सुन लेते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी गंभीर चर्चा हो गई है, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं जी। तो क्या हाल है भाई ओपी? सबसे पहले तो जम्मो दर्शक मल्ला जय जोहार जी। तो क्या आप लग लगते कि युवा मन पर जिन है वो जगह है, वो स्पेस है राजनांदगांव में, कि वो यहाँ से अपन जिन्हें पहचान देश दुनिया में बना सके? जी जी बिल्कुल। देखो जैसे कि नाम से ही हम जानधन की संस्कार धानी, तो ये संस्कारों की धानी है, और यहाँ जो है राजनांदगांव जो जिला में कलाकार बिकट है, जैसे हमन हमर पुरोधा देखथन वरिष्ठ कलाकार है, और जो जतिक भी नवा नवा कलाकार अभी है मन आवाज जाते हैं, वो नवा नवा बढ़िया बढ़िया सृजन करत जाते हैं कला के माध्यम ले, संगीत के माध्यम ले, जोन भी विधा है अपन कला के, तो अलग अलग विधा ले सब नवा नवा चीज लावत जावत है। बांसुरी बांसुरी लेके नहीं आया? नहीं तो मैं सुनते हो। जी जी वैसे हाँ बांसुरी तो खैर नहीं लाया हूँ। लेकिन कुछ सुना पे हमारे एक गीत है कांति भाई गाए है, गुलाय बाटी जो बस्तर में जो गीत है जिला, मतलब कहना चाहिए कि छोटे से राइम के पार्ट है बन गया हुआ अभी सुना था। ले ले बेले साए सखिया दाए के निकले बेले साए, अली बला रे दौना अली बला रे, झाली अना झाली परा अली बला रे, अली बला रे दौना अली बला रे, झाली अना झाली परा अली बला रे, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, खल 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 बहती जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहती जाए आया इंद्रावती, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। कहीं ना कहीं हमारे जो टीम है वह हमन कोशिश करते हैं, को क्रिएशन की जो टीम है कि छत्तीसगढ़ी में जो अलग अलग बोली भी है, चाहे हलबी कहो चाहे गोंडी कहो, है ना, छत्तीसगढ़ी तो खैर है ही, तो सबो विधा सबो भाषा में हमन जब बोली में हमन गीत लेके आवन, और अंत में है जो छत्तीसगढ़ महतारी के हमारे जो गीत है जिला। लेकिन पहले मैं भाई जो ये बता रहे थे संजय भैया कि फिल्मकारों की दायित्व तो जो है ज़्यादा है कि वो छत्तीसगढ़ की जो मूल संस्कृति है उसको ज़्यादा वो स्क्रीन पे लाए बजाय जो है दूसरी चीज़ों को। आप किस रूप में देख रहे हैं, या फिर आप तो फिल्मकार भी हैं, तो आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल उन्होंने जो बात कही वो मतलब मैं उसका तो पूरा बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से एक हो गया है कि क्वांटिटी बहुत है कंटेंट की, बहुत सारा नंबर्स में बन रहा है फिल्में, समझ रहे हैं आपकी, एक साल में 15-15, 20-20 फिल्में आती हैं, लेकिन जो वो बोल रहे थे कि उसका मुंबईकरण या बम्बैया स्टाइल का एक वो बेसिकली फर्स्ट या थर्ड कॉपी की तरह होता है वो, जो बॉम्बे में 90s के लेट में कुछ जो बनता था उसका कहीं पर कुछ, बेसिकली जो बोलने का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है हमारे पास ऑप्शन सोचने के लिए। लेकिन ये भी तो है ना कि व्यवसाय भी तो करे, अगर कमाई नहीं होगी। बेशक व्यवसाय वो चल इसी रही है, लेकिन आप
उसका अगर वो देखेंगे नंबर निकाल के हाँ। तो मान लो कि 20 फिल्में चलती है तो उसमें जो ढंग का व्यवसाय जिसको बोलते हैं तो वो 2 या 3 फिल्में होती लेकिन है। लेकिन आप देखिए कि यहीं पे इसी नाचा के जनक दाऊ मंदरा जी के ऊपर जब फिल्म बनी तो लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाई। बिल्कुल ये ऑडियंस वाला, क्योंकि वो मैं खुद एक फिल्म में करूँ तो मुझे तो पता है, मैं आज तक अगर 3 घंटे की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ तो उसका बहुत बड़ा रीजन उसका जो व्यवसाय वाला पार्ट है वही है। अभी तक मैंने जैसे जो शॉर्ट फिल्म बनाई है उसका टॉपिक बहुत अलग है और छत्तीसगढ़ी में है वो, लेकिन उसके कुल मिला के 4 साल में व्यूज सिर्फ 13,000 है यूट्यूब में। लेकिन अगर अभी वो उस तरीके का जो 5-10 मिनट का कंटेंट जो वायरल कंटेंट है तो वो बिल्कुल उस तरीके का वायरल होता है। लेकिन मैंने भगवा जो कि राजनांदगांव में छत्तीस जो एक शेर नाचा होता है यहाँ पे जो बेसिकली मुस्लिमों का त्यौहार है मुहर्रम के समय होता है, उसमें बहुत सारे हिंदू लोग बनते हैं और डांस करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म जिसमें हर्ष जी ने गाना भी लिखा है और 30 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म थी, उसको अवार्ड्स भी मिले इंटरनेशनल। लेकिन जब वो हमने यूट्यूब में डाला या फेसबुक के माध्यम से तो उसके अभी तक 3 साल में 13,000-14,000 व्यूज हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है वो। अच्छा, आप एक फिल्मकार के नजरिए से अगर मैं देखूं तो आप राजनांदगांव को किस रूप में देखते हैं, यहाँ के विकास को, यहाँ के हाल को? विकास को जो एक उन्होंने बात कही बिल्डिंग्स और वो वाली जो चीज़ थी, मैं उस वो तो बिल्कुल बात सही है। मैं एक कलाकार की तरह या एक फिल्मकार की तरह बताऊं तो मुझे लगता है कि माहौल सरकार को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आर्टिस्टों को। हम तो अपना काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब भगवा मैंने बनाई थी वो 2014 था, तो तब जो मैंने उस समय सब कुछ झेला था, मैंने बहुत कोशिश करी थी मदद लेने की सरकार की कि किसी तरीके से कुछ सपोर्ट हो, लेकिन जिस तरीके का रवैया रहता है उसमें आप मदद नहीं हो पाती उस तरीके। जबकि ये जगह जो है ये इतनी सुंदर जगह है शूट करने के लिए कि हमने यहीं पे शूट, मैंने अपनी 3-4 फिल्में यहीं पे शूट करी है, यहीं के कलाकारों के साथ करी है, सब कुछ यहीं रहता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा और सरकार की तरफ से लोग बहुत सपोर्टिव है, इसमें नो डाउट। अगर मैं किसी, क्योंकि मैं दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ और मैं बहुत सारे शहरों में शूट कर चुका हूँ अलग अलग, तो जो लोगों से एक प्रॉब्लम होती है ना वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मतलब आप जब अपने होम ग्राउंड पे होते हैं तो जो खेलना होता है ना, मैंने भगवा बनाई है उसमें 200-200 लोग एक सीन में दिखते हैं, लेकिन वो सारे फैमिलियर अपने लोग, बहुत सपोर्टिव लोग। मतलब राजनांदगांव में आप ये कहीं पे भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा और इस चीज़ को पुश करना चाहिए जिससे चीज़ें अच्छी हो पाए। का हाल है सुदेश सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कुछ सुना दो पहले, का हाल है? ये हमारा हाल ना जाने बड़ा, आप मन हमारे नांदगांव में आए हो, एक आप मन के स्वागत है। तो हाल राजनांदगांव वाले मन के अच्छा है कि नहीं है? हाल कैसन टाइप के हाल ना पूछा था, सब टाइप के हाल, सब टाइप के। तो कला संस्कृति से शुरू करो कि राजनीति से शुरू करो, दोनों बता दो आप। कला संस्कृति के मामला में कहना चाहूँ, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के जतका भी मूर्धन्य कलाकार है, मोर सौभाग्य रही से हबीब तनवीर के साथ काम करे के। हबीब तनवीर के साथ काम करत बोला, जितना भी कलाकार है 13-14 है, तो वो मतलब मैं का कहूँ, ये कलाकार न हो, ये है अपन आप में एक कलाकार विश्वविद्यालय। ऐसा कलाकार मन के साथ हम रही कि जो चीज़ सीखें वही चीज़ सीख के हमन आज की स्थिति में हमन है स्कूल में फोकट में हर साल 500 लड़का मतलब निःशुल्क फोकट में लोक नृत्य डांस सिखाता हमन, हम जो टीम है थे ये हमने एक प्रण करे हन कि हर कलाकार नाच गाँव बताइ ना सुर में जो थे जो लड़का पैदा होते वैसने हमारे लड़का स्कूल से संस्कार दे शुरू कर दें लोक कला लोक संस्कृति के मामले। तो हाल अच्छा नहीं है अभी? अभी हाल बने नहीं है, नहीं है। कहाँ कमी देखते हो? राजनीति की बात करते हो आप? राजनीति में तो ऐसे है, अब आज एक ठोक चैनल में देखा रहे हो, ये है आप विकास की बात लगे हो, ये राहुल गांधी है का कहा थे कि हर गांव में का फूड प्रोसेस खुल गए, किसान है टमाटर लब बेच बेच के आते और पैसा सीधा लेके आते, कते में खुले छत्तीसगढ़ में तिलत नहीं मालूम दादा। आप लोग जिन्हें कॉमेडी किंग कहे जाते हैं, अरे कवर कहे जाते हैं, अरे नांदगांव के और छत्तीसगढ़ के मैं दुलारे जे अतका बार हम लोग पास हंसा दो हमारे दर्शक हंसात का हूँ। एक ठोक हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेहतरीन हास्य कलाकार जी से मदन निषाद जी, एक ठन गाना बढ़िया गाए, वो तो मतलब नाचा वाले जी से तो नाचा सलीम गाए, वही गाना मैं कल आप लोग सुना देता हूँ। फुल पेंट और रूमाल जवान मन के, धोती और गमछा सियान मन के, सरदंग पैजामा पठान मन के, मोर नांगर ढीले के बेरा जवारा, मोरो नांगरिया आवत होई। लेकिन अब वो नांगर भी नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखे, विलत बता तो विकास कते डहार हो है तेला। तो पीड़ा होते देख के जन चीज बड़ बड़ी लेकिन मतलब हम प्रयास करते हैं कि हम अभी हम जतका भी योजना के माध्यम हम जतका भी डांस नाटक कुछ करबो कुछ ना कुछ व्यंग जरूर है, ये पीड़ा जरूर। मैं देखता हूँ भी कि कला संस्कृति के ज्यादा इस्तेमाल ये सब राजनीतिक मंच में ज्यादा कलाकार वही आगे है।
मतलब शासन के जो बात करना चाहिए जैसे अपन कला संस्कृति कलाकार मन के उपयोग वो सरकारी योजना में करते पूरा शासकीय योजना में करते ठीक है ये बहाना कलाकार मतलब काम तो मिल जाते लेकिन वो सम्मान नहीं बिल्कुल नहीं वो सम्मान होना बिल्कुल चाहिए। ये पीड़ा है। चलो तो ये कलाकारों से मैं बातचीत कर रहा था साहित्यकारों से बातचीत कर रहा था और बता रहा था भाई राजनांदगांव में हाल का है असल मुद्दों पे बातचीत हो रही थी जिस पे बातचीत कम होती है ज़्यादातर हम लोग राजनीतिक मुद्दों पे उलझ जाते हैं। अब आखिरी जो बात है जो छत्तीसगढ़ महतारी की बात है तो कांति भाई से वो गीत भी सुन लेते हैं जो कि एक तरीके से पहचान है आपकी और छत्तीसगढ़ की। गीत के माध्यम ले आप हमर जन्मो छत्तीसगढ़िया मन के जो प्रार्थना है वंदन है ओला मैं यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी के चरण में अर्पित करता हूँ। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तैं भारत माँ के साटी मैं तोला नवा वो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तैं भारत माँ के साटी मैं तोला नवा वो माथा महतारी आती जाती। एक कंत्रा और नवा बिहान के नवा सूरज संग चिर गुण चहकन लागे मोर पपीहा रमली बामन पुदकत माया बगरागे नैन के ज्योतिल साधे आरती कल रस्तुति भंजागे माटी महतारी अटल कुमारी माता के पद पागे कल 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 करथे सरिता सुर के धरे हिथा थी मैं तोला नवा वो माथा महतारी आती जाती। मैं तोला नवा वो माथा महतारी आती जाती। धन्यवाद। और ना होना पड़े कभी भी शर्मिंदा राजनांदगांव में रहे संस्कार इसी तरह से जिंदा। आज के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।